आपका आपकी इस सेल्फ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है समास अर्थ और प्रकार। मनुष्य अपने विचारों को संप्रेषण करता है और अधिगम करने के लिए किसी भाषा की संक्षिप्तता अनिवार्य है। वैसे समास भाषा की संक्षिप्तता में सहायक होता है। समास किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है, आज हम यहाँ इसके विषय में जानेंगे। सबसे पहले समास की परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण लेते हैं, माता पिता। ये जो शब्द है माता पिता, ये तीन शब्द से मिलकर बना है। इसका विग्रह करते हैं तो माता और पिता। इसमें माता पहला पद। सर विग्रह क्या होता है? विग्रह का अर्थ होता है समास सामासिक पद को खोल करके बताना। जी सर। जैसे माता पिता, ये सामासिक पद है जी। इसका विग्रह होता है माता और पिता। जी सर। इसमें तीन शब्द है, इनका संक्षिप्त रूप हो गया माता पिता। जी सर। समास में हम बताते हैं दो पद होते हैं, पहला पद दूसरा पद। पहले पद को पूर्व पद भी कहा जाता है, दूसरे पद को पश्य पद भी कहा जाता है। जी सर। परिभाषा में हमने जाना कि शब्दों के मेल को समास कहते हैं। संधि में भी मेल होता है जी, लेकिन संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में शब्दों का मेल है। जी सर। संधि और समास में ये मुख्य अंतर है। दूसरा अंतर है, संधि में विच्छेद होता है जबकि समास में विग्रह होता है। जी सर। अब हम समास के प्रकार के विषय में जानते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतया हिंदी में समास चार प्रकार के होते हैं। दो उसके उपभेद होते हैं, उन चारों प्रकारों का मैं नाम लिखता हूं। नंबर एक अव्ययी बा, नंबर दो तत्पुरुष, नंबर तीन द्वंद्व और नंबर चार बहुव्रीहि। नंबर दो तत्पुरुष समास है, इसके दो उपभेद है। पहला कर्मधारय और दूसरा द्विगु। इस प्रकार से मुख्यतः हिंदी में समास के चार प्रकार है। अब इन चारों प्रकारों की पहचान कैसे करते हैं? जैसे माता और पिता, इसमें समास का कौन सा प्रकार है, इसकी हम पहचान कैसे करते हैं, इसके विषय में हम आगे अध्ययन करते हैं। इससे सामान्य जानकारी आपको बता देता हूं, जिस समास में पहला पद प्रधान हो, पहला पद प्रधान हो,
वह अविभाव समास होता है। और जिस सामासिक पद में दूसरा पद प्रदान हो वह तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास होता है। इसी प्रकार से जिसमें दोनों पद प्रदान होते हैं वह द्वंद्व समास होता है। जिस सामासिक पद में दोनों पद प्रदान हो वह द्वंद्व समास होता है। और जिस सामासिक पद में कोई भी पद प्रदान नहीं हो वह बहुव्रीहि समास होता है। पद में कोई भी पद प्रदान न हो वह बहुव्रीहि समास होता है। इस प्रकार से हमने जाना कि जिसमें पहला पद प्रदान हो वह अविभाव समास, जिसमें दूसरा पद प्रदान हो वह तत्पुरुष समास, जिसमें दोनों ही पद प्रदान हो वह द्वंद्व समास, जिसमें कोई पद प्रदान नहीं वह बहुव्रीहि समास होता है। इस प्रकार हमने आज जाना। अगले वीडियो में हम इनके कुछ उदाहरण और इनके विग्रह के विषय में जानेंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स